हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचना क्राफ्ट एंड किचन। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही डिलीशियस पनीर चिल्ली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने घर का ही बनाया हुआ पनीर लिया है और इसको मैं अच्छे से मोटी मोटी क्यूब्स में काट लूँगी, स्क्वायर क्यूब्स में। और फिर यहाँ पर अब इसके लिए हम लोग घोल तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर। और इसको हम लोग पानी ऐड कर लेंगे और इसका हम लोग एकदम मीडियम बैटर बनाएंगे, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा थिक। और इसमें हम लोग पनीर डाल के फ्राई कर लेंगे और डीप फ्राई करना है हमें पनीर को। और देखिए यहाँ पे जैसे ही गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा हम लोग पनीर को निकाल लेंगे। और ये पनीर थोड़े से सट गए थे तो इसे थोड़ा थोड़ा अलग कर लेंगे। और यहाँ पे फिर मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं दूसरी तरफ, और यहाँ पे मैंने लिया है एक शिमला मिर्च, एक टमाटर और दो प्याज। अगर आप एक बड़ा प्याज भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो छोटे छोटे मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। और इसको हम लोग ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा बड़े बड़े साइज़ में ही सारे वेजिटेबल्स को काट लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिया एक कढ़ाई, इसमें मैं दे रही हूँ थोड़ा सा तेल। और इसमें मैं दो चार लहसुन की कलियों को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना प्याज जो हमने काट के रखा था। फिर थोड़े से प्याज को भुनने के बाद हम लोग यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड करेंगे। फिर इनको भी दो मिनट भुनने के बाद हम लोग यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे और सबको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इस सबको हम लोग साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने पनीर चिली मसाला लिया है और देखिए यहाँ पे इसको मैं पानी में थोड़े से पानी के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर अब मैं यहाँ पे रेड फूड कलर दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं। अगर आप फूड कलर खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप ना दें, ये मैंने बाज़ार जैसे लुक के लिए दिया है। और फिर यहाँ पे हमने जो अपने वेजिटेबल्स फ्राई किए थे उसमें हम देंगे नमक एक चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार नमक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने हल्दी दिया है एक छोटी चम्मच से, 1 टीस्पून। और फिर यहाँ पे मैंने इसमें कलर दे दिया था वो पनीर चिल्ली वाला घोल, और इसमें मैंने पनीर ऐड किया। इसको 5 मिनट के लिए हम लोग ढक कर रख देंगे। और ये देखिए बस अब हमारा पनीर चिल्ली बनके रेडी है। इसको मैंने नान के साथ सर्व किया और आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए अपने घर पर। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।